यहाँ पे मैंने मेथी काट के और धो के रख दी है, और अभी इसमें छलनी में रख दी है। इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। और ये मसालदानी और आटा रख दिया है, क्योंकि आटा आज मैं नहीं गूंदूंगी, तो मैंने निकाल के सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। और अभी जा रही मैं ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऊपर काम करके आई, मम्मी ने तब तक आटा गूंद लिया था, और फिर मैं आई जब पराठे बनाए थे मेथी के। आज मम्मी ने कहा था मैं बना के खिलाऊंगी, तो यहाँ पे मेथी का पराठा है, दही है और घी, और ये मिर्ची घाल के रखी हुई मम्मी ने, मिर्ची का अचार वो है। तो बहुत टेस्टी पराठे बने थे, और मम्मी ने बनाए थे। मम्मी ने कहा कि कल मम्मी ने मेथी ली थी और बोली मैं बनाऊंगी पराठे, तो फिर ये अगली सुबह को मम्मी ने बनाए हैं पराठे। अभी बना रही मैं आलू मेथी की सब्जी। तो यहाँ पे मेरा प्याज लहसुन जीरा भुन गया, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, और इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। ये मेथी और आलू कट करके रखे हुए हैं, तो अब मसाला भुन गया, अब इसको डाल देती हूँ मैं उसमें। और ये सुबह जो पराठे बनाए थे ना, तो मेथी ज़्यादा थी, क्योंकि पराठे मैं और मम्मी खाते, भैया खाता नहीं, तो फिर थोड़े ही बनाए थे। और मेथी की सब्जी भी सिर्फ मम्मी खाएगी, ना भैया खाता। मेथी की मुझे भी नहीं पसंद है सब्जी, मुझे हरी सब्जियाँ कम पसंद है, आलू पालक आलू मेथी वाली। तो ये मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं, और सूखी ही बनाऊंगी। कहते हैं काफ़ी अच्छी लगती है मैं आलू मेथी की सब्जी, पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है। तो इसमें नमक और डाल देती हूँ मैं, फिर थोड़ा सा भून लूँगी और फिर इसे ढक दूँगी। सिंपल ही बनाई है और थोड़ी ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेथी थी और मैंने दो छोटे छोटे आलू कट कर लिए। मम्मी की बन जाएगी, और मैं और मेरे बेटे को तो कढ़ी पसंद है, तो हमारी ये कल की कढ़ी रखी, मैं इसी को ही फ्राई कर लूँगी। हमें तो कढ़ी अच्छी लगती है, और बासी कढ़ी भी अच्छी लगती है। तो मम्मी के लिए हो जाएगी मेथी की सब्जी, और मैं बनाऊंगी थोड़े से चावल, और मम्मी के लिए बना दूंगी मेथी की रोटी। तो इसमें मैं नमक और डाल देती हूँ थोड़ी, ये सब्जी कभी तीखा ना हो जाए। और ये भी से अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भूनती हूँ, फिर पानी नहीं डालूंगी ऐसे ही। और पानी मैंने मसाले में भी नहीं डाला, सूखे ही डाले हैं। ऐसे ही ढक दूंगी मंदी गैस करके, और हो जाएगी। ढक्कन ले लेती हूँ इसका, और फिर इसे ढक के छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में हो जाएगी, 5-7 मिनट में। बारीक बारीक आलू कट कर रखे मैंने, और मेथी तो जैसे हो जाती है जल्दी से। इसको झाड़ देते हैं, इससे जो लग रहा है मसाला वसाला सब इसी में हो जाएगा। और ढक दिया है, अब ये बन जाएगी। और अभी मैं कर लेती हूँ चाय चुके अपने बर्तन साफ़, भैया का लंच है, दोपहरी भैया ने जो खाना खाया था वो है, और चाय के। और मैंने कूड़ा भी सिम डाल दिया था, एक प्याज लहसुन काटी थी आलू, उसे भी निकालूंगी और डस्टबिन में डालूंगी। जल्दी जल्दी में यहीं डाल दिया था, तो अभी कर लेते हैं बर्तन साफ़। और संजीव देखते हैं क्या कर रहा है, कहेगा मुझे दिखा दिया। संजीव कर रहा है पढ़ाई, तो वो अपना ये भी ट्यूशन से आया था, और आते ही फिर स्कूल का काम करने लग गया है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सर्दियों में, तो सर्दियों में बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं। सुबह 6 बजे उठता है, और रात में भी ये लेट सोता है, रात में थोड़ी देर फ़ोन चलाता, कहता मम्मी दिन भर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। अब काम करेगा, अभी टाइम हुआ है 5:45 है, अभी ये काम करेगा 8 बजे तक कम से कम, फिर खाना वाना खाएगा, फिर थोड़ी देर बैठेगा, फिर फ़ोन देखेगा ये 11 बजे तक, और फिर उसके बाद सोता। मैं कहती हूँ बेटा जल्दी सो जाया कर, फिर नींद पूरी नहीं होती बच्चों की, तो वो भी बेकार है। मैंने कहा थोड़ा जल्दी सो जाया कर, पर मानता ही नहीं है, कहता नींद नहीं आ रही मम्मी, नींद नहीं आ रही। और अब ये आता है 3-5 बजे स्कूल से, और जल्दी जल्दी खाना देती हूँ मैं आते ही, और तुरंत खाना खाते ही बेचारा ट्यूशन चला जाता है। नहीं तो पहले आ जाता था 1 बजे, तो काफ़ी टाइम मिल जाता था 1 से 3:30 तक का, फ़ोन भी देख लेता था, लेट भी लेता था, कुछ स्कूल का भी काम कर लेता था, वैसे भी खेल लेता था अपना कुछ। और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन, चलो रख देते हैं। मसालदानी लेके गई थी बाहर, उसे भी रख देते हैं, और बर्तन साफ कर लेते हैं। थोड़ी सी आपसे भी बात हो गई है, और अभी कर लेते हैं अपने बर्तन साफ। लाइट बंद है तो अंदर अंधेरा आ रखा था। सब्जी हो गई है देखो, बिल्कुल बन के तैयार, और पानी भी नहीं डाला था, सूखी बनाई है, और गैस मैंने कर दी है बंद। और इधर मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए, सिंक धोना और रह गया है। जैसे बर्तन साफ़ किए, फिर वो
जो इसमें कचरा पड़ा हुआ था आलू का प्याज का वो उठा के डाल का ही, तब तक मैंने कहा सब्जी हो गई होगी, पहले इसे देख लेती हूँ। अब सिंक और साफ कर देती हूँ तो, और देखो सब्जी हो गई है बिल्कुल तैयार। देखने में तो मेरे को भी अच्छी लगती है, पर पता नहीं क्यों भी खाने में नहीं अच्छी लगती है। तो चलो अब करते हैं अपना सिंक साफ और इसे रख देते हैं ढक के। मम्मी इसे कढ़ाई को भी पोंछ लेगी, जैसे इसके मसाला सा लग रहा है। मैं इसे निकाल के खाली करके धोऊंगी तो मम्मी कहेगी मैं उस पर अपनी रोटी पोंछ लेती, तूने खाली क्यों कर दी। तो मैं इसी में ढक के रख देती हूँ, गर्म करनी होगी तो गर्म भी हो जाएगी। ये फिर रात का टाइम है, यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया। मैं बर्तन खाली कर रही हूँ और फिर स्लेब समेटूंगी और सारे बर्तन साफ करूंगी। तो यहाँ पे खाली कर रही हूँ, जो बड़े बर्तन हैं उन्हें खाली कर लेते हैं और फिर साफ करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और जो चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन कर लिए हैं खाली, अब इन्हें रख देते हैं एक तरफ उठा के और फिर करेंगे अपने बर्तन साफ। जो इसमें टोकरी में बर्तन रखे हुए हैं जो सूख गए उन्हें हटा देती हूँ और ये सब भी एक तरफ कर देती हूँ, फिर करेंगे बर्तन साफ। तो यहाँ पे मैंने टोकरी के भी सूखे सूखे बर्तन हटा दिए और अब फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन। ये रात में भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सारे खाली करके साफ करके धो के सोते हैं और सुबह उठते ही फिर किचन में आ जाते हैं। मेरा तो आधा टाइम तो किचन में ही बीत जाता है, आधा झाड़ू पोछे में आधा किचन में ही चला जाता है। और 3 लोग ही हम, 3 लोगों के खाने में भी सारे दिन कभी कुछ कभी कुछ, सबका अलग अलग बनता रहता है, कोई कभी खा रहा है। तो रात में तो हमारा इकट्ठा ही बन गया था 3 लोगों का और सब खा भी लिया था। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन और साफ कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह सब साफ हो गए थे तो मैंने किचन समेटती थी, बर्तन जचा दिए थे। और यहाँ पे मैंने दूध डाल के रख दिया, इसमें थोड़ी देर में गर्म करूँगी, अभी तो खाना खाया है, निकाल के रख दिया है। और इसमें डाल के रख दिया मैंने पानी प्लेट से ढक के। सुबह भैया के लंच की तैयारी भी अभी से करके रखनी पड़ती है, रात में कि क्या बनाना है, तो यहीं करके रख देती हूँ। और दूध थोड़ी देर बाद गर्म करेंगे जब पियेंगे। और मेरा पूरा काम हो गया है रात का और हमारा पेप्सोडेंट ख़त्म हो रखा था उसमें, मंजन में मतलब बिल्कुल कम हो रहा था, निकल नहीं रहा था। सुबह भैया कह रहा था मम्मी दबा दबा के निकालना पड़ रहा है, तो मैंने कहा अभी रख देती हूँ, फिर सुबह मेरे याद नहीं रहेगा एकदम उठते ही। तो ये ख़त्म हो रखा था, इसे हटा देते हैं और इसे रख देते हैं। और फिर बस इसी के साथ वीडियो का एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये खाली वाला डाल दिया हमने डस्टबिन में और बस सब कर देते हैं लाइट बंद और चलते हैं। इधर मम्मी खा रही है लड्डू और अपना फ़ोन देख रही है, तो फ़ोन चलता है इस आवाज़ में।